हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल रहा हूं, देखिए बात करेंगे अशोक लेलैंड के स्टॉक की। फिर रेडी हो रहा है शेयर भागने के लिए। अब आप कहोगे फिर रेडी हो रहा है, मतलब पहले कब बताया? देखिए पहले का जो वीडियो है वो एक महीने पहले का है, जब स्टॉक 50-55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और रैली के लिए रेडी था। लेकिन फिर से रेडी हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं देख पा रहा हूं यहां पे करेक्शन चल रही है और इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है अगली रैली के लिए। और वो करेक्शन रिजॉल्व होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश है रिजॉल्व होने की। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक की टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट से और समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं अशोक लेलैंड के स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान दीजिए। अशोक लेलैंड एक बहुत ही जबरदस्त शेयर मैं कहता हूं इसको, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ऑटो सेगमेंट में मंदी आई और इसके भी हालात बहुत ही खराब हो गए, बहुत ही नाजुक मैं कहूंगा। 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो बहुत उधार हो चुका है कंपनी के ऊपर, 22,000 करोड़ का उधार है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी नीचे जा चुका है, डिविडेंड का भी जो यील्ड था वो भी खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा यार सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होती हुई दिख रही है। अशोक लेलैंड के शेयर में डरावनी सी सिचुएशन दिख रही है, लेकिन बॉटम के बाद अब थोड़ा रिवाइवल दिख रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। पिछले कुछ टाइम में तो बहुत ही बुरे हालात देखने को मिले लगातार। आप देखिए मार्च 2019 में किस तरीके से सिचुएशन थी, रेवेन्यू थोड़ा सा टाइम फ्लैट रहा, उसके बाद ये गिरा और मार्च 2020 का रेवेन्यू देख सकते हो। अभी के टाइम पे तो लॉस दिखाया था कंपनी ने, जो अपना लास्ट क्वार्टर का गया था तो लॉस दिखाया था कंपनी ने, लॉस होना था। लेकिन उसके अलावा जो मैं कारोबार अगर देखूं अशोक लेलैंड का वो, और ये शेयर क्यों अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट है उसको भी बात करेंगे। अब अशोक लेलैंड के फ्राइडे का यानी कि फ्राइडे 11 सितंबर का कारोबार अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ शेयर्स यहां पे ट्रेड हुए, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास 34 लाख शेयर की डिलीवरी देखने को मिली, यानी कि 12% के आसपास की डिलीवरी थी। और अगर प्राइसिंग देखा जाए तो 68 रुपीज का प्राइस है फ्राइडे 11 सितंबर का, 68 के आसपास, और ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन थी, ना कोई ज्यादा तेजी ना कोई गिरावट ज्यादा। और अगर मैं यहां पे देखूं अशोक लेलैंड के डिटेल में टेक्निकल लेवल से, पहले जरा शेयर होल्डिंग देखा जाए तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड, एक कंसर्निंग फैक्टर जो मुझे अशोक लेलैंड के शेयर में लगा जून क्वार्टर में, इसके गिरवी रखे हुए शेयर्स बढ़ गए। पहले गिरवी रखे हुए शेयर्स प्रोमोटर के जो थे 6.7% थे मार्च 2019 में, जो कि 9.3% हो जाता है जून, उसके बाद जुलाई, जून के बाद सितंबर, फिर उसके बाद आपने देखा दिसंबर और उसके बाद मार्च तक, ये 9.3 रहता है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे कंपनी के ऊपर उधार बढ़ रहा है तो ये प्रोमोटर अपने शेयर्स को गिरवी भी रख रहे हैं, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरीके से 10.9% के अपनी होल्डिंग प्रोमोटर्स ने गिरवी रख ली है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखूं तो म्यूचुअल फंड के डाटा में आपको दिख रहा होगा कि भी यहां पे भी आपको किस तरीके से सिचुएशन पिछले क्वार्टर्स में देखने को मिली है वो भी दिखाएंगे। देखिए आपको यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से मार्च क्वार्टर में खूब खरीदारी हुई और जून क्वार्टर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया गया, लेकिन फिर भी दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में पॉजिटिविटी है अभी जून क्वार्टर में। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर से लेके जून तक इन्होंने खरीदे भी बेचे भी, बट ओवरऑल होल्डिंग जो है इनकी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। दिसंबर 2018 में 5% से भी कम होल्डिंग की थी म्यूचुअल फंड की, जो कि बढ़ के अब होगी 8.5% से ऊपर की। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का अगर मैं डेटा देखूं, देखिए जरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किस तरीके से होल्डिंग है, एक टाइम पे जबरदस्त 23% के आसपास की इनकी होल्डिंग थी, जो कि गिर के अब 15% 15.5% के आसपास आ चुकी है। अब बात करोगे आप ये स्टॉक रडार में क्यों आया हमारे, देखिए ये स्टॉक में हमें दिख रहा है एक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन, जिसको मैं कहता हूं लायंस अटैक फॉर्मेशन, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, यानी कि पूरे का पूरा अगस्त में तेजी के बाद सितंबर का मंथ जो है वो करेक्शन का है, और वो भी स्मॉल करेक्शन। ये स्मॉल करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसीलिए ये स्टॉक थोड़ा सा रडार में रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती हुई दिख रही है जो आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो किस तरीके से 2018 मई के बाद इसमें गिरावट आई, आप जरा देखिए ये पूरा का पूरा सिचुएशन, करेक्शन, थोड़ा सा जंप, लोअर हाई,
लोअर लो करेक्शन, लोअर लो थोड़ा सा जंप करेक्शन। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से सोच रहे हो तो आपके लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मंथली व्यू से लंबे लाइक कई सालों के लिए इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो 80 से 90 का ये लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है। अब आपको गया स्टॉक 170 से नीचे आया, जरा ये भी देखिए 170 के लेवल से नीचे आया। अब मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए वीकली चार्ट पे इस स्टॉक ने जो बेयरिश क्रॉस बनाया था वो सितंबर 2018 में बनाया था, और आप देख सकते हो समझ सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन बनी। स्टॉक गिरता गया, लोअर हाई की फॉर्मेशन, लोअर लो की फॉर्मेशन, जो बेस है वो टूटते गए, डाउन आता गया, देख सकते हो आप ये बेस टूटते गए। यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है, ये देखिए ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप अलग अलग तरीके से आप इसको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन मैं देख पा रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। करंट सिचुएशन ऐसी है कि स्टॉक को अब आपको गैर अलग अलग लेवल के अब आपको डिपेंड करता है। जैसे लास्ट टाइम पे भी आपने देखा होगा यहां पे तेजी जरूर आई थी, और एक टाइम पे शेयर ये मान के चले कि 55 के लेवल से तेजी आके ऑलमोस्ट 80-85 के लेवल पे गया था। लेकिन अब आपको गया इसमें तो ट्रेंड रिवर्स हो गया था। क्या इसने पिछले हाई को पार किया था? नहीं किया था। अगर आप डिपेंड करता है आपको किस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप सोच रहे हो। अगर वीकली के हिसाब से सोच रहे हो तो भाई पिछले टाइम फ्रेम को तो पार किया नहीं था, और थोड़ा थोड़ा ट्रेंड आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ओवरऑल बेयरिश जोन में ये बैठा हुआ था। इसी तरीके से सिचुएशन अभी भी देखने को मिल रही है, तेजी करेक्शन, और इस करेक्शन को हमने इस लेवल पे आपको क्लियरली 54-52 के लेवल के आसपास अब शेयर था बताया था। अब आपको कैसे बताया था, कब बताया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस वीडियो को भी। अब देखिए तेजी फिलहाल करेक्शन है, और मुझे लगता है कि ये करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी मतलब 50 रुपए के लेवल से शेयर जाता है 70-72 रुपए के लेवल तक और बिना करेक्शन के। करेक्शन इंपॉर्टेंट है, करेक्शन अच्छी बात है, और इस करेक्शन का रिजॉल्व होना अच्छी बात है। और दूसरा करेक्शन के साथ साथ शेयर जो है वो ये जो अपना 20 EMA के आसपास जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वो अच्छी बात है। अगर प्राइस इससे ऊपर ही रहे अभी कुछ टाइम आगे तो ये साथ के साथ बुलिश क्रॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो प्राइस सितंबर 2018 से डाउन पड़ा है, बेयरिश क्रॉस वीकली पे बनाया था, वो पॉजिटिव में आ जाएगा। मतलब इतने टाइम का ये साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्राइस का लेवल अभी चल रहा है 75 से लेके मैं कहूंगा 65 के आसपास का, ये इंपॉर्टेंट करेक्शन का लेवल है। ये कंप्लीट होगा तो आपको अगली रैली देखने को मिलेगी। अभी छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले मैं आपको पहले डेली पे लेके चलता हूं, फिर पुराने वीडियो की भी बात करेंगे। जो पिछली रैली आई थी, देखिए पिछली रैली को हमने क्लियर कट यहां पे इन लेवल्स पे पकड़ा था जब ये 53-54 के लेवल पे था। अब आपको कैसे कब, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। और वहां पे हमारे पास स्टॉप लॉस कितना था, मात्र 48 का। कितना स्टॉप लॉस, 4 रुपए का रिस्क, और हमारा गेन कितना है, 52-53 से सीधे गया ये 74 के लेवल पे। मतलब इतना जबरदस्त 20 रुपए और 4 रुपए का 20 रुपए का रिवॉर्ड और 4 रुपए का आपका रिस्क। आप जरा देखिए समझिए कोशिश कीजिए इस स्टॉक को। ये देखिए अब आप, ये वीडियो है अगस्त 12 का, यानी कि आज से 1 महीने पहले का। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा कि शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी यहां पे देखने को मिली, और आपको क्लियर कट सिग्नल दिए थे कि अगर ये लेवल यहां पे जैसे पार है, अगला टारगेट आपका 60 के आसपास, 58 का भी अगर लेवल पार होता है तो 64 के आसपास डेली का 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसको भी अगर पार करता है तो ये भागते जाएगा। देखिए लेकिन करेक्शन जरूरी है, और वो करेक्शन अभी हमको देखने को मिलती है। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी थी, स्टॉक में पॉजिटिविटी आई, हमारे सारे लेवल्स को धीरे धीरे पार करते हुए गया ये, और काफी अच्छे पोजीशन पे गया, बहुत ही अच्छा पोजीशन मैं इसको कहूंगा। देखिए और अभी के टाइम पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी तो करेक्शन आई है। अब बात करते हैं अभी की करेक्शन की, जो हम बात कर रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं डेली पे। अब हम क्यों कह रहे हैं आपको, आगे के टाइम के लिए आपको कब एंट्री लेनी है, क्या लेनी है, आपके मन में प्लान चल रहे होंगे, लेकिन हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी फुलफिल हो रही है उसके बाद आपको मिलेगा एंट्री का मौका। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि भाई ये डेली में इसने बुलिश क्रॉस बनाया, उसके बाद ये पहली करेक्शन है जो 20 के पास आई है, जो कि अच्छी बात है। और इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में बाइंग का प्रेशर आप देख पा रहे हो, तो फिलहाल स्टॉप लॉस मुझे बनता हुआ दिख रहा है 64 के लेवल पर, लेकिन एंट्री का मौका अभी, अगर मैं इसमें एंट्री लेना चाहूंगा मैं तो थोड़ा और इंतजार करूंगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ऐसा कि रिस्क को मिनिमाइज करने वाला सिस्टम है, कम से कम रिस्क में एंट्री। देखिए तेजी, उसके बाद आप देख सकते हो ये डाउन साइड की तेजी में कह रहा हूं, उसके बाद देखिए अभी लोअर हाई लोअर लो की सीरीज डेली में चल रही है, तो यहां पे मैं इंतजार करूंगा एटलीस्ट ये डाउन ट्रेंड जो लाइन चल रही है ये पार हो जाए, एटलीस्ट 70 का लेवल
या फिर 70 से लेके 72 की ये रेंज पार होने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हायर हाई की फॉर्मेशन मिल जाएगी डेली में, यानी कि मेरा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा और अगली करेक्शन जो इस तरीके से सिचुएशन बनेगी तो वो पॉजिटिविटी है। लेकिन मेरा मुझे स्टॉप लॉस मिल जाएगा अगर ये लेवल ऊपर पार होते हैं तो, 72 के लेवल को पार करता तो मेरा स्टॉप लॉस रेडी है और मैं कहूंगा एंट्री तभी लूंगा जब ये चीजें रिस्क मेरा मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात है रिस्क मिनिमम, स्टॉक मार्केट में जब आप रिस्क को प्रायोरिटाइज करने लग जाओगे ना तो काफी इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। और साथ के साथ जब इन लेवल्स को पार करेगा ये तो मूविंग एवरेज में भी आप एक चीज देखोगे कि आवरली आपका बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल आवरली के चार्ट को देखिए, आवरली का चार्ट इससे पहले भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहां पे दिखाई थी और इसी तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है और सीरीज जो है देखिए हायर हाई हायर लो की सीरीज इसमें बन चुकी है। लेकिन साथ के साथ इसको इस लेवल को पार करना इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी 71-72 की रेंज पार करना इंपॉर्टेंट है। तो अशोक लेलैंड के शेयर को आपने देखा, ये एक जबरदस्त शेयर है जिसमें अगर मैं रिटेल निवेशकों को देखूं तो बहुत सारे रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्टेड है, आपको यकीन नहीं होगा 10 लाख से ज्यादा रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्टेड है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट। और लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा और पॉजिटिव होने दें मंथली चार्ट को तो अच्छी बात होगी। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।